नमस्ते, मैं हूँ विधि और आज हम बात करेंगे कि दुख के समय में भी, परेशानी के समय में भी आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं और रोना क्यों जरूरी है। आप कहेंगे, एक तरफ तो मैं पॉजिटिव रहने की भी बात कर रही हूँ और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि पॉजिटिव रहने से बहुत अबंडेंस आती है, तो फिर आज मैं रोने की बात क्यों कर रही हूँ। तो आइए इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। देखिए, आजकल तो बी हैप्पी बी पॉजिटिव का बड़ा ट्रेंड सा चल गया है, हैशटैग गुड वाइब्स ओनली। लेकिन मान लीजिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं और उठते ही आपको पता चलता है कि आपके घर में चोरी हो गई। आप भाग कर नीचे जाते हैं और अचानक से आप फिसल जाते हैं और आपका हाथ टूट जाता है। तभी आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है, इट्स नॉट वर्किंग, हमारे रास्ते अलग हैं, यू डिजर्व बेटर। और तभी आपका रिजल्ट भी आता है और आपको पता चलता है फेल हो गए। अब ऐसे सिचुएशन में आप किसी को फ़ोन करें और आपको वो ये कह दे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बी पॉजिटिव, तो आपका मन करेगा बिल्कुल वहीं पे ना फ़ोन पटक दो, क्योंकि जो इंसान उस सिचुएशन से गुजर रहा है ना, वही समझ सकता है, वही फील कर सकता है। मुझे पता है, मैं इन चीज़ों से गुजरी हूँ, मुझे पता है कि उस समय पॉजिटिव रहना कितना मुश्किल है। पता है, ऐसे समय पे आप ऊपर से पॉजिटिविटी तो थोप सकते हैं, लेकिन ऐसी थोपी गई पॉजिटिविटी मेरे हिसाब से बहुत टॉक्सिक है। और इमोशंस को दबाना ही मेन कारण है डिजीजेस का। आपको पता है, हर डिजीज का, मोस्ट ऑफ द डिजीजेस का रूट कॉज सप्रेस इमोशंस ही होते हैं। देखिए, नेचर कोई भी चीज़ बिना वजह नहीं देता। अगर हमें इमोशंस मिले हैं, किसी चीज़ को फील करने की पावर मिली है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो हो गई। जो हमारे सरफेस लेवल इमोशंस हैं, वो हमारे अंदर चल रही गड़बड़ी को बताते हैं। वो ये बताते हैं कि अंदर कुछ तो ख़राब है जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है, उसे हील करने की ज़रूरत है। और बिना उसे हील किए ना आप पॉजिटिव नहीं रह सकते। जैसे गुस्सा है, आप बताइए हमें गुस्सा कब आता है? आपने गुस्सा कर लिया और आपने गुस्सा करने के बाद गिल्टी भी फील कर ली, पर आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि आखिर आपको गुस्सा आया तो क्यों आया? हमें गुस्सा तभी आता है जब हमारी हमसे खुद से जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो टूटती हैं, या दूसरों से की गई एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं। मान लीजिए, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि आपने डिसाइड किया कि आपको 8 आवर्स पढ़ना है, या मान लीजिए कि आपको वेट लूज़ करना है और आपको पता है कि कल से मुझे एक्सरसाइज करनी है, फिर भी आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे, चाह कर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम जो है ना, अपनी हैबिट्स के स्लेव बन चुके हैं एक तरह से। वो भी मैं कभी किसी वीडियो में बात करूंगी कि अपने हैबिट्स को कैसे ब्रेक करें, पर फिलहाल अगर हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उसके कारण हम परेशान हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, और वो गुस्सा हम किसी पे भी उतार दे रहे हैं, और उसी व्यक्ति पे उतारेंगे जो हमसे कमज़ोर होगा। अपने बॉस पे नहीं उतारेंगे, अपने स्पाउस पे उतारेंगे, अपने वर्कर पे उतारेंगे, अपनी मदर पे उतारेंगे। हमारा गुस्सा भी बड़ा ऐसा है, देखिए, कि उसे पता है कि कब कहाँ किस समय निकलना है, किस पे निकलना है, तो किसी इंपॉर्टेंट पर्सन पे नहीं निकलना जहाँ से हमारा नुकसान हो सके, किसी कमज़ोर इंसान पे निकलना है। और दूसरी बार हमें गुस्सा कब आता है? जब हमने किसी से एक्सपेक्टेशन की। आपको अपने हस्बैंड पे, अपनी वाइफ पे गुस्सा आएगा, आपको लगा कि आज हमारी एनिवर्सरी है, वो हमें गिफ्ट देगा, आप सुबह से एक्साइटेड हैं, सरप्राइज़ का वेट कर रहे हैं, और वो खाली हाथ घर आ गए। अब यहाँ पर बताइए, आपको गुस्सा आ रहा है वो उनके कारण आ रहा है, या आपने जो खुद से एक्सपेक्टेशन कर ली उसके कारण आ रहा है? एक और इमोशन है कि हमें रोना आता है। रोना हमें तभी आता है जब हम पूरी तरह लॉस्ट फील करते हैं, हमें रे ऑफ होप नहीं दिखती, हमें एज अ विक्टिम फील होता है, हमें लगता है ये सिचुएशन अब हमारे हाथ से जा चुकी है। जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जब हम उस रियलिटी से पीस नहीं बना पाते, तभी हमें रोना आता है। तो आपको अपने इमोशन से डील करना सीखना होगा, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करनी होगी, आपको ये समझना होगा कि सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये यूनिवर्स जो है वो पोलैरिटी में चलता है। अंधेरा है तभी तो उजाले की वैल्यू है, बुराई है तभी तो अच्छाई की वैल्यू है, वैसी दुख है तभी तो सुख की वैल्यू है। देखो, दुख तो आएंगे ही, बुद्धा ने तो कहा ही है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स, तो उससे तो हम बच के कहीं नहीं जा सकते। तो फिर दुख आए या रोना आए तो क्या करना चाहिए? रोना चाहिए, जी भर के रोना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ, एक दिन रोइए, पूरा रोइए, दो दिन रोइए, मन भर के रोइए, जब तक यहाँ पे भारी लग रहा है ना तब तक रोइए। अगर गुस्सा आ रहा है तो अपने रूम में जाइए, पंचिंग बैग उठाइए, खुद उसको मारिए कूटिए, बिल्कुल जब सारी इमोशन निकल जाए ना। तो मुझे भी जब बहुत ज़्यादा इमोशनल ओवरलोड हो जाता है, जब मुझे चीज़ें समझ नहीं आती, तो मैं अच्छे से रो लेती हूँ, और रोने के बाद जब मन शांत हो जाए
तब आप उन इमोशंस को देखने की कोशिश कीजिए, आप उन इमोशंस के साक्षी बनिए, जैसे ना कोई मूवी देख रहे हो, जैसे आप खुद को उस इंसान से अलग कर लीजिए जो इन सब चीज़ों से गुजर रहा है, आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए। जैसे मूवी के अलग अलग सीन चल रहे हैं ना, ये ज़िंदगी एक मूवी ही तो है, कभी ड्रामा है, कभी सस्पेंस है, कभी हार्ट ब्रेक है, कभी रोना धोना है, कभी सक्सेस है, कभी फेलियर है, कभी सुख है, कभी दुख है, तभी तो इस मूवी का मज़ा है। आप जैसे थिएटर में जाते हैं और एक पिक्चर देखते हैं, वैसे खुद को ऑब्जर्व कीजिए, अपने इमोशंस के लिए अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। जब आप दूर खड़े होकर खुद को देखेंगे ना, जैसे आप किसी मिरर में देख रहे हो, तब आपके अपने अंदर से एक विजडम जागेगी, एक थॉट जागेगा, आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं और उनसे कैसे डील करना है। जैसे मान लीजिए आपने साक्षी होकर इन सारे सिचुएशंस को देखा जो मैंने शुरू में बताई थी, आपको समझ में आएगा कि आपके यहाँ चोरी हो गई है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, पर उसके अलावा आप ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है पैसा है तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं, चला गया, हो सकता है सामने वाले को आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो, और वैसे भी जो हमारी किस्मत का है वो तो हमसे कोई ले जा नहीं सकता। वैसे ही आपको लगेगा कि ठीक है हाँ टूट गया, थोड़ा दर्द तो हो रहा है, लेकिन ये मुझे टाइम मिला है रेस्ट करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ डीपली चीज़ों को एनालाइज करने का, थोड़ा होल्ड बैक करने का। जब आप उस ब्रेकअप को दूर से देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो चुका था, तो जो हुआ अच्छा हुआ, ये रिलेशनशिप आपकी और उसकी दोनों की ग्रोथ में एक ऑब्स्टेकल था, और इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमारी किस्मत में है वो तो हमें मिलेगा ही, तो ठीक है जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आप अगर फेल हो गए हैं तो आपको समझ में आएगा आपने कहाँ कहाँ गलती की, आप उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं, और आपकी डेस्टिनी, आपका फ्यूचर आपके हाथ में ही है, आप उसे कैसे अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके आप अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और नहीं भी हुए तो ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कोई भी एफर्ट कभी वेस्ट नहीं जाता, आज यहाँ लगाया है, यहाँ ना मिले आउटपुट पर कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, और ये सारी चीज़ें आपको खुद से समझ में आएंगी, ये चीज़ें आपको कोई बता नहीं सकता, आपको खुद रियलाइज़ करनी होगी। ये तो वही बात हो गई ना कि आप एक दिया है, कब तक दूसरे से रोशनी लेते रहेंगे, जब तक आपको खुद की आँच से रोशन होना नहीं आएगा तब तक आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी परमानेंटली नहीं आ सकती। छंदोग्य उपनिषद में भी हैप्पीनेस के बारे में बहुत अच्छी बात कही गई है, उसमें लिखा है कि आखिर हैप्पीनेस कहाँ है, हैप्पीनेस किसी फाइनाइट चीज़ में नहीं हो सकती, ऐसी चीज़ जो लिमिटेड हो जैसे कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट हो उसमें हैप्पीनेस नहीं हो सकती, वो तो ख़त्म हो जाएगी। अभी आपको कुछ पल भर की खुशी मिली फिर वो ख़त्म, फिर आप नेक्स्ट चीज़ करेंगे, ये माइंड है आपका वो भी लिमिटेड है। हैप्पीनेस उसी चीज़ में हो सकती है जो सर्वोपरि हो, हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो, जो खुद में फुलफिल्ड हो, खुद में कंप्लीट हो, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, जो इन्फिनाइट हो। और लिखा है कि कंप्लीटनेस ऐसी चीज़ है जब आप कुछ नहीं देख रहे होते हैं बस खुद को देख रहे होते हैं, जब आप कुछ नहीं सुन रहे होते हैं बस खुद को सुन रहे होते हैं, जब आप कुछ नहीं समझ रहे होते हैं बस खुद को समझ रहे हैं। वही पल भूमा है जब आप प्रेजेंट हैं, आप खुद को देख रहे हैं, खुद को जान रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, वही असली मेडिटेशन है और वहीं से प्योर ब्लिस, प्योर जॉय निकल कर आएगा। पता है ये सुख और दुख दोनों ही एक तरह के डिल्यूजन्स हैं, एक तरह के स्टिमुलेशन है, सुख को पकड़ने की कोशिश करना ही दुख का कारण है। तो आप ना दुख को पकड़िए ना सुख को पकड़िए, आप एकदम न्यूट्रल रहिए, तटस्थ रहिए, आप अवेयर रहिए, प्रेजेंट में रहिए, और ये एक दिन में नहीं आएगा, आपको धीरे धीरे बिट बाय बिट अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना होगा, अंदर की विजडम को निकालना होगा। इसलिए अभी से हिम्मत मत हारिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आप अवेयर रह सकें, अपने थॉट्स के प्रति सजग रह सकें, अपने लिए सजग रह सकें, और इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि ये लाइफ बस एक एक्सपेरिमेंट है, एक मूवी है, एक सीन आएगा जाएगा। मैं तो कल भी वही था, आज भी वही हूँ, बस मेरे हाथ में एक ही चीज़ है कि इस लाइफ को एंजॉय करना है ना।